एसपी साहब, बोलिए आप इनसे क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं? हेलो, हाँ सलीम, सलीम मैं एसएसपी मलीर बात कर रहा हूँ, मुनीर अहमद शेख। क्या मसला है मुझे आप थर्मल से आप मुझे बताएं कि आपका क्या इशू हुआ है, इंशाल्लाह आपके सारे इश्यूज में रिजॉल्व करवाऊंगा। क्या मसला है? देखिए सर, मुझे अगर कोई गोली भी मार दे तो मुझे इस बात पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बात नहीं, 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 गोली 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 नहीं मारेंगे, आपके मसले आपके मसले हल करेंगे। सलीम, टीवी मेरे सामने चल रही है मैडम, आप अपना नाम बताएं, आपको मैं देख रहा हूँ इस वक्त। मैं एसएसपी मुनीर शेख बात कर रहा हूँ, मैं एसएसपी मलीर हूँ। गोली गोली अल्लाह ना करे आपको कोई नहीं मारेगा, आपके हम सारे इश्यूज आपके रिजॉल्व करेंगे। आप मुझे बताएं कि क्या मसला है? जी मेरा मसला ये है कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चंद मुकदमे दायर करना चाहता हूँ। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि इस मुल्क का जो आईन है, कानून है, ये बिल्कुल कासिर है जी, ये नहीं चल सकता। इस मुल्क का कानून इस हिसाब से नहीं चल सकता, उसमें चेंजिंग आनी चाहिए, बदलना चाहिए। नहीं नहीं, आप सलीम? जी सलीम बात कर रहा हूँ। हाँ सलीम, क्या चेंजेस लाना चाह रहे हैं आप मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के थ्रू? अब मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, आप एसपी साहब हैं। जी जी जी, मैं मीडिया बात कर रहा हूँ। जी मीडिया पे भी जहरी बात है चल रही है। अच्छा ये अब आप मेरी बात जरा तवज्जो से सुने। कुरान पाक इल्म का खजाना है, मानते हैं इस बात को? कोई शक नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं। उलमाओं से पूछो कि पूरा का पूरा कुरान बिस्मिल्लाह के बे के नुक्ते में है, बिल्कुल समझ रहे हैं आप? जी जी। तो उनसे पूछो कि ये नुक्ता क्या है। शिया कहते हैं कि ये नुक्ता हजरत अली है, मेरा सवाल है कैसे? अगर हजरत अली है तो हमें बताए कैसे? इसमें कोई शक नहीं कि ये नुक्ता हजरत अली है, इसमें अपना बंदोबस्त करे। ये बिस्मिल्ला का बेग नुक्ता हजरत अली है। और अच्छा सलीम, आप क्या निजाम को तब्दील करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? देखे ना सलीम, हेलो, क्या चेंजेस लाना चाह रहे हैं आप मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के थ्रू? अब मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, आप एसपी साहब हैं। जी जी जी, मैं मीडिया बात कर रहा हूँ। जी मीडिया पे भी जहरी बात है चल रही है। अच्छा ये वाले दोस्त भी हैं जो मुझे उस वक्त कहते हैं, बात को समझ रहे हैं आप? जी जी, मैं ऐसा नहीं सलीम, जाहिल सलीम, 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 एक तो एक तो एक तो आप एक जहन में एक बात बिठा दें कि आप बिल्कुल महफूज हैं, आपको कोई इंशाल्लाह नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आप हमारे भाई हैं। जाहिर है हर किसी इंसान को कुछ तहफात होते हैं, कुछ रिजर्वेशन होती है, वो मेरा काम है कि मैं आपकी सुन के वो तहफात पर आप प्यार के साथ बैठ के मेरे साथ बात करेंगे तो मुझे सही तरह समझ में आएगा ना। तो मैं क्या रहा हूँ, जी जी आप मेरी बात को नहीं समझ रहे, आप अपनी बात कर रहे हैं। मैं आपकी आप पुलिस एसपी होने के नाते आप जो कुछ कह रहे हैं कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। मैं आपके साथ पहुँचाऊँ, मेरा मिशन जो है वो है तब्दीली, चेंजिंग, इमरान खान वाली चेंजिंग नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप तरीके से समझेंगे, ये बहुत बड़ा मामला है। आप नहीं समझ रहे, मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मेरा कॉन्टेक्ट कराए, मैं मैसेज उनको देना चाहता हूँ। हम एक वीडियो व्हाट्सएप कर रहे हैं जिन चैनल पे हमने वीडियो किया उनके ऊपर दोबारा, वो प्लीज जितना हो सके वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक ये भेजी जाए। अगर ये वीडियो मेरी जो अभी मैं भेजूंगा ये फौरी तौर पे नहीं चलेगी तो हम सब यहाँ पे, मुझे जरूरत ही नहीं किसी की, मैं खुद भी मर जाऊंगा, इन भी मार दूंगा। सलीम सलीम, हमने आपको लाइन पर इसलिए लिया हुआ है, एसपी साहब को इसलिए लाइन पर लिया हुआ है कि आपके इस मसले का हम हल निकाल सके। तो आप ये बताइए आप कैसे चाहते हैं इसको हल कैसे करना चाहते हैं, ये बताइए। आप एक मिनट, समा वाली टीम, आप एक मिनट खामोश हो जाए ना, समा वाली टीम आप उस तरफ भागना नहीं है, लेट का बटन दबा, एक मिनट एक मिनट, तो आप समा वाली टीम आप खामोश हो जाए, मुझे बात करने दें। सलीम बात सुने जी, इंशाल्लाह ताला आपके सारे मसाइल हल होंगे, पर वो आराम से तमोसे देखें, आप इंसान है, आप इस्लाम की बात कर रहे हैं ना,
میں ٹھیک ہے اگر آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں, اسلام میں کسی کو نقصان پہنچانا کوئی اچھی بات نہیں ہے نا. آپ کے جو بھی جائز, دیکھیں آپ آرمی چیف کی بات کر رہے ہیں, تھانوں کی بات کر رہے ہیں نا, میں ان کا نمائندہ ہوں, میں حکومت پاکستان کا نمائندہ ہوں, ٹھیک ہے نا. اور آپ ان کے, میں اتنا سا نمائندہ ہوں ان کا, اور میرے توسط سے وہ بھی سن رہے ہوں گے آپ کو, اور مجھے بھی سن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن مجھے تو بولنے نہیں دے رہے آپ. میں چپ کر جاتا ہوں سلیم, اب آپ کی سنوں گا, آپ بتائیں جی. اب میری, میں ہاں بالکل, ابھی کوئی نہیں بولے گا, صرف آپ بولیں گے, بتائیں. موبائل بند کر دو. اب میری بات تو ذرا توجہ سے سنی جائے, پورا کا پورا. ہیلو جی جی, میں سن رہا ہوں سلیم, میں آپ کی بات سن رہا ہوں, آپ بولے, میں چپ کر کے بیٹھتا ہوں. محترمہ بے نظیر بھٹو کا قاتل آصف علی زرداری ہے, ٹھیک. میں ایسے ثبوت دوں گا, کہ پورا کا پورا قرآن بسم اللہ کے بے کے نقطے میں ہے, اور یہ بسم اللہ کا بے کا نقطہ ایک بہت بڑا راز ہے. پہلے علماؤں سے پوچھو, بعد میں بات کروں گا. چیف آف آرمی اسٹاف کو اللہ پاک نے اس ملک کا حکمران مقرر کیا ہے. ہلو, آپ نے کال کاٹ دی ہے. نہیں نہیں سلیم, کال نہیں کاٹی ہے. سلیم آپ ہیں ہمارے ساتھ لائن پر, ہیں آپ بات کر سکتے ہیں, آپ بات کنٹینیو کریں. آپ میری بات سنیں, یہ ہیلو ہیلو کو چھوڑے. میں ایک پروگرام کرنا چاہتا ہوں جس کا نام ہوگا پبلک فور پاکستان. چیف آف آرمی اسٹاف, سپریم کورٹ آف پاکستان, یہ سارے کے سارے موجود ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ بھی کر لیں گے. اور ایک آپ کا مطالبہ ہے کہ آپ کا پروگرام ہو, ٹھیک ہے نا, پبلک آف پاکستان, جس میں آپ ساروں سے آپ ان کو اپنے مسئلے بتائیں. ایسا ہی ہے سلیم. منیر صاحب ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ جائیے, رابطہ کیجئے, اور جو لوگ وہاں پر ارغمال بنے ہوئے ہیں ان کو آپ بحفاظت نکالیے. اس وقت مجھے جو